हे व्हाट्सअप गाइस, एंड कैसे हैं आप सभी लोग। अब उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ बहुत लेट, अभी मैंने 7:30। और आज हम जाने वाले हैं बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान में एक मंदिर है, सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंदिर, जिसका नाम है इंगलाज मंदिर। वहाँ पर आज हम जाएंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि फिर वहाँ पर रात को सोने नहीं मिलेगा, तो इसलिए जल्दी से सोते हैं। फिर आपसे मिलेंगे थोड़ी टाइम के बाद। मैंने अभी सोकर उठी हुई, देखते आगे क्या कैसे अभी हम सदर तो पहुंच चुके हैं। यहाँ से कोस्टर आएगी, फिर उसमें चढ़ के जाएंगे। ये कजन है दीपेश कुमार, तो ये भी जाएगा हमारे साथ। सो यार बड़ा मजा आएगा। और गए अभी हम वहाँ से निकल चुके, और हम रात के 4 बजे निकले थे। तो मंदिर से पहले एक बड़ा पहाड़ आता है, तो पहले वहाँ पहाड़ पे जाएंगे, फिर आपको ये पहाड़ है, और इसको कहा जाता है चंदर को। इसके टॉप से आपको व्यू भी दिखाएंगे। ये भी है उसके टॉप से, आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मंदिर की तरफ, बीच में व्यू देख सकते हैं एक्सक्लूसिव। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। यहाँ पर कराची है हमारी, और अभी यहाँ पर वीजा देखते हैं। यहाँ का सीन्स काफी मस्त है, टाइल्स से सारे पहाड़ी पहाड़ी, मतलब यहाँ पर हमारे पंडित जी। क्या हाल है आपको? सही है, सही सही है जी, बताती है जी। अच्छा सही, पहाड़ी पकड़े पूरे, मतलब कवर पहाड़ से, और ये सारा टाइल्स से बना हुआ है। वहाँ पर उसके गेट एंट्रेंस का, और पूरे मतलब टोटल ये पहाड़ों वाली जगह पे है, और ये सबसे मतलब पाकिस्तान का बड़ा मंदिर है। यहाँ से भी इसके पार्ट्स कुछ हैं जोड़ते हुए, मतलब देख सकते हैं कितना ही मतलब बड़ा ये टेंपल है। यहाँ पे नदियाँ भी बहती हैं, मगर बारिश नहीं हुई तो उसकी वजह से नहीं बह रही। बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा है ये, और मैं बहुत थक चुका हूँ, गर्मी भी बहुत है। तो देखते हैं सीन्स क्या होते हैं, देख सकते हैं यार।
अभी आपको मैं ऐसा करता हूँ, गेट से थोड़ी आपको एंट्रेंस दिखाता हूँ। गेट थोड़ा सो गाइस, इसका गेट थोड़ा ज़्यादा ही दूर है। सो गाइस मैं आपको ये जो चप्पलें पड़ी हुई ना, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इधर है। सो गाइस ये देखें, ये साइड है एक, यहाँ पे नदी भी है मगर थोड़ा पानी डर्टी है, देख सकते हैं पानी थोड़ा डर्टी है। ये पुराना पानी जमा हुआ होता है फाउंटेन में, मेरे भी अंदर चलते। ये है यहाँ पे भी पहाड़ों में, इसके अंदर कोई खास चीज़ नहीं, बैठक है और इधर फूल शूल बहुत अच्छे वाले लगे हुए हैं, सब्जियाँ वब्जियाँ। उसके आगे आते हैं यहाँ पर मंदिर, मतलब जो मूर्तियाँ ना स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ पर, खाने पीने का होता है जुगाड़। फिर यहाँ से मूर्तियाँ शुरू हुई, फिर ये यहाँ पर स्टॉप लेती हैं, वहाँ पर भी मतलब कुछ ड्राइंग्स है, यहाँ पर भी एक है मूर्ति। भोलेनाथ शिव शंकर जी की है, वहाँ से आगे जाते हैं। यहाँ पर भी मतलब वही है फूल सब्जियाँ, यही कुछ। यहाँ से ऊपर जाकर वो जो सर मंदिर शंदिर है, यहाँ पर नदी कंटिन्यू होती है। यहाँ पर ये ग्राउंड है बिठाने के लिए और खाना खिलाने के लिए, लोग खाना भी खा रहे हैं। हम मंदिर से निकले और फिर हम गए कुंदमली, ये एक बीच है बलूचिस्तान में। एंड करना भूल गया था, तो अभी इसी वजह से मैं अभी व्लॉग एंड कर रहा हूँ और कल आपको एक नए व्लॉग में मिलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।